वाह रे नीतीश बाबू, क्या बिहार में शराबबंदी कराए हैं आप? भी देखिए बिहार में शराबबंदी का नज़ारा। बक्सर में अस्पताल बना मैखाना, अस्पताल में चल रही थी शराब की पार्टी, शराब में पुलिस ने फेरा पानी, शराब की कई बोतलों के साथ पीते हुए दो गिरफ्तार, डॉक्टर फरार। बिहार में शराबबंदी कानून का धज्जिया उड़ाता हुआ पूरा बिहार हर रोज कहीं न कहीं शराब तस्कर या शराब पीते या शराब का खेल होता रहता है। बिहार में कानून को लागू कराने के लिए सरकार ने तमाम अधिकारी लगे हुए हैं, रोजाना कार्रवाई की जाती है, इसके बावजूद अब तक धरातल पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। रोजाना कानून की धज्जिया उड़ाने का मामला सामने आता है। ताज़ा मामला शहर के चरित्रवन स्थित शील हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, जहां शनिवार की रात हॉस्पिटल में शराब पार्टी कर रहे अस्पताल के स्टाफ को पुलिस ने शराब बोतलों के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा उत्पाद अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। शनिवार की देर रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि शहर के एक निजी अस्पताल शील हॉस्पिटल में कुछ लोगों के द्वारा शराब की पार्टी की जा रही है। सूचना मिलने के साथ ही नगर थाना प्रभारी संजय सिन्हा के द्वारा एक टीम बनाकर अस्पताल में छापेमारी की गई, जहां दो लोग शराब का सेवन करते हुए पाए गए। साथ ही मौके से पुलिस ने शराब की कई बोतलें भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के द्वारा पकड़े गए दोनों व्यक्तियों का मेडिकल जांच कराया गया है, जिसमें दोनों व्यक्तियों के नशे में होने की पुष्टि हुई है। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान मनोज कुमार महाराजा हाता आरा व उपेंद्र यादव निवासी सिकरौल के रूप में हुई है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर सुनील कुमार सिंह निवासी चरित्रवन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना के संदर्भ में पूछने पर नगर थाना प्रभारी संजय सिन्हा ने बताया कि शहर के एक निजी अस्पताल में शराब पार्टी की सूचना मिली थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नशे की हालत में शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अस्पताल का कमरा भी सील कर दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पाठकों को बता दें कि बीते दिनों कोलकाता में हुए डॉक्टर के रेप मामले में आरोपियों के द्वारा अस्पताल में ही शराब का सेवन कर ऐसे कुकृत्य को अंजाम दिया गया था। बावजूद इसके बक्सर में शील अस्पताल प्रबंधन के द्वारा एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में इतने सीसीटीवी होने के बावजूद शराब अस्पताल के अंदर कैसे पहुंच गई और क्या अस्पताल प्रबंधन कोलकाता जैसी किसी दूसरी अप्रिय घटना का इंतजार कर रहे थे? संजय उपाध्याय, सिटी न्यूज की एक रिपोर्ट, बक्सर से। सेवन थ्री सेवन दिनांक 26/7/24
और सेम थिंग उत्तर प्रदेश मणिपुर।